फ्रेंड्स आज से हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में वॉल्वुलर डिफॉर्मिटीज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स वॉल्वुलर डिफॉर्मिटीज मतलब हार्ट वॉल की जो वॉल डिफॉर्मिटीज रहती है ना वो हम लोग देखने वाले हैं। हार्ट वॉल की डिफॉर्मिटीज की वजह से जो डिसीजेस तैयार होते हैं ना उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइटल स्टेनोसिस। फ्रेंड्स माइटल स्टेनोसिस देखने से पहले हम लोग जरा सा स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन क्या है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है स्टेनोसिस मतलब फेलियर ऑफ द वॉल टू ओपन कम्प्लीटली। ठीक है फेलियर ऑफ द वॉल टू ओपन कम्प्लीटली एंड रिगर्जिटेशन मतलब क्या है इट इज फेलियर ऑफ द हार्ट वॉल टू क्लोज कम्प्लीटली। स्टेनोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स हार्ट वॉल प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाते। स्टेनोसिस में क्या होता है हार्ट वॉल प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाते एंड रिगर्जिटेशन में क्या होता है फ्रेंड्स हार्ट वॉल प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते। समझे जैसा ध्यान में रखना क्योंकि आगे चल के हमें जो वॉल डिफॉर्मिटीज देखनी है सब में स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन हमें देखना है फ्रेंड्स। ठीक है स्टेनोसिस मतलब वॉल प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाते एंड रिगर्जिटेशन मतलब वॉल प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते। ठीक है हम लोग जरा सा स्टेनोसिस देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स माइटल स्टेनोसिस जनरली फीमेल में ज़्यादातर पाया जाता है मेल के कंपेरिजन में। ठीक है सबसे ज़्यादा फीमेल में पाया जाता है मेल के कंपेरिजन में और इसका अभी पॉजिटिव और कॉजेस देख लेते हैं। माइटल स्टेनोसिस सबसे मेन कॉज क्या है माइटल स्टेनोसिस सबसे मेन कॉज फ्रेंड्स रोमेटिक इन ओरिजिन। ठीक है माइटल स्टेनोसिस का सबसे मेन कॉज क्या है रोमेटिक ओरिजिन रहता है। फ्रेंड्स हम लोग जरा सा इसको डायग्रामेटिक हम लोग पैथोलॉजिकल विषय हम लोग पैथोफिजियोलॉजी इसकी देख लेते हैं। ठीक है डायग्रामेटिक विषय फ्रेंड्स पेशेंट को समझो हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर है। ठीक है हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर है या है रोमेटिक ओरिजिन की रोमेटिक फीवर है पेशेंट को। ये हम जो हमारा हार्ट है ठीक है हार्ट है यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स जो हमारी माइटल वॉल है ना माइटल वॉल कार्टिलेजिनस रहती है। ठीक है कार्टिलेजिनस रहती है और जरा सा हाईली एरिएटेड जगह भी है यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स रोमेटिक ओरिजिन की रोमेटिक फीवर की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है इन्फ्लामेशन उसका फिर एंड डिस्ट्रक्शन इन्फ्लामेशन डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे फिर स्कारिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है स्कारिंग होती है। ठीक है स्कारिंग होने से क्या होता है फ्रेंड्स ये ओपनिंग स्नैप नॉर्मल ओपनिंग स्नैप कितनी रहती है 4 to 6 cm² की रहती है। नॉर्मल स्नैप कितना रहता है 4 to 6 cm² की क्योंकि रोमेटिक फीवर की वजह से यहाँ पे स्कारिंग होती है तो यहाँ पे ओपनिंग स्नैप कितनी होती है फ्रेंड्स 1.5 to 2 cm² जब डेवलप होता है तब माइटल स्टेनोसिस डेवलप हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है तब माइटल स्टेनोसिस डेवलप हो जाता है। फ्रेंड्स जो वॉल डिफॉर्मिटीज है ना सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन होने के चांसेस माइटल एरिया के माइटल वॉल के रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स हाईली क्या हीमोडायनेमिक स्ट्रेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है यहाँ पे क्या होता है हीमोडायनेमिक स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और हाईली एरिएटेड जगह भी है हीमोडायनेमिक स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से माइटल वॉल जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के वहाँ पे चांसेस मतलब सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव या सबसे ज़्यादा जो वॉल डिफॉर्मिटीज होती है सबसे ज़्यादा माइटल वॉल के होने से चांसेस ज़्यादा होते हैं मतलब मैक्सिमम 70% चांसेस माइटल वॉल डिफॉर्मिटीज होने के या माइटल वॉल डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वहाँ पे हीमोडायनेमिक स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। ठीक है रोमेटिक फीवर की हिस्ट्री की वजह से यहाँ पे स्कारिंग होती है। स्कारिंग की वजह से जो नॉर्मल स्नैप होता है ना 4 to 6 cm² का वो रिड्यूस होकर वो 1.5 to 2 cm² का हो जाता है फ्रेंड्स। ये ओपनिंग स्नैप 1.5 to 2 cm मतलब स्नैप ओपनिंग स्नैप कम होने की वजह से यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है माइटल वॉल प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती इसलिए जो लेफ्ट एट्रिया की जो कंडीशन है ना लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड होता है। ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन वॉल ओपन प्रॉपरली नहीं हो पाती इसलिए जो भी कंडीशन है ये पूरा का पूरा कंडीशन यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है फ्रेंड्स। फिर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है क्या बहुत ही कम ब्लड जाता है फ्रेंड्स। ये लेफ्ट एट्रिया में कंडीशन की वजह से फ्रेंड्स ये बैकफ्लो पैथोलॉजी की वजह से ये लंग्स में कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है ये लंग्स में कंडीशन स्टार्ट होता है फिर बैकफ्लो पैथोलॉजी से फ्रेंड्स ये पल्मोनरी आर्टरी कंडीशन वगैरह बाद में कंडीशन की वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट राइट वेंट्रिकल पे भी कंडीशन हो गया राइट वेंट्रिकल कंडीशन फिर राइट एट्रिया कंडीशन इसी की वजह से जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है ना वो भी फेलियर में जाता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट भी फेलियर में गया क्योंकि समझ लो ना बैकफ्लो पैथोलॉजी समझ लो एक बात। ठीक है ये माइटल वॉल ओपन प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती इसलिए लेफ्ट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा। ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा फिर ये राइट लेफ्ट एट्रिया में पूरा ब्लड कंडीशन हो रहा है लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कंडीशन हो रहा है तो ये फिर बैकफ्लो पैथोलॉजी की वजह से लंग्स में भी कंडीशन हो रहा है। ठीक है लंग्स में कंडीशन हो रहा है इसलिए बैकफ्लो पैथोलॉजी से पल्मोनरी आर्टरी तो बैकफ्लो पैथोलॉजी से राइट वेंट्रिकल में भी कंडीशन कर रहा है राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रिया में भी कंडीशन कर रहा है। ठीक है या फिर पूरा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया
फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑल ओवर बॉडी में पंप कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑल ओवर बॉडी में प्लम्प नहीं कर रहा, वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं है, तो फिर वो ऑल ओवर बॉडी में फिर आर्टेरियल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कम हो जाता है, ठीक है, आर्टेरियल बॉडी में ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कम होता है, इसलिए पेशेंट में कई बार फटीक वगैरह भी दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स जरा हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है, इस पैथोलॉजी की वजह से इस पैथोलॉजी की वजह से यहाँ पे मेट्रोसिनोसिस डेवलप होती है। फ्रेंड्स ठीक है, हम लोग जरा सा पैथोफिजियोलॉजी जरा सा एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। इन द नॉर्मल अडल्ट वॉल ओपनिंग इज अबाउट 4 to 6 cm², ठीक है, वॉल ओपनिंग कितने रहते हैं नॉर्मल 4 to 6 cm² की। इन मेट्रोसिनोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स, इफ द ओपनिंग इज रिड्यूस टू 1.5 to 2 cm², ओपनिंग क्या होती है रिड्यूस होती है 1.5 to 2 cm² में, ठीक है, इट इंक्रीजेस द लेफ्ट आर्टरी प्रेशर। अभी हमने देखा ये ओपनिंग नियम पति इसलिए लेफ्ट आर्टरी प्रेशर बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस लेफ्ट आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी कंजेशन स्टार्ट, लेफ्ट आर्टरी से फिर बैक टू पैथोलॉजी से भी पल्मोनरी कंजेशन स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन इसलिए पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में एक्जर्शनल डिस्निया स्टार्ट होता है, ठीक है, एक्जर्शनल डिस्निया स्टार्ट होता है। यह मेट्रोसिनोसिस की पैथोफिजियोलॉजी फ्रेंड्स, ठीक है, इसके हम लोग जरा सा अभी साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होता है सीवियर डिस्निया, क्योंकि सीवियर डिस्निया क्यों आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैकफ्लो पैथोलॉजी लंग कंजेशन तो हो ही रहा है, ठीक है, लंग कंजेशन तो हो ही रहा है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ रहा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ रहा, तो आर्टेरियल ट्री में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो आर्टेरियल ट्री में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा, इसलिए पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स सीवियर डिस्निया भी रहता है। स्टार्टिंग कंडीशन में डिस्निया और एक्जर्शन रहता है, धीरे धीरे पेशेंट को कैसे सीवियर डिस्निया होता है, मतलब पेशेंट को थोड़ा सा भी चलने के बाद पेशेंट को सांस फूलती है फ्रेंड्स, ठीक है, सीवियर डिस्निया। कफ विद फ्रोटिस्पुटम, कफ विद फ्रोटिस्पुटम क्यों होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पल्मोनरी कंजेशन होता है ना, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से कफ विद फ्रोटिस्पुटम मतलब मुँह पे फेस आने लगता है, ठीक है, मुँह पे कैसे फेस आने लगता है, कफ विद फ्रोटिस्पुटम बोलते हैं उसको। और हीमोप्टाइसिस बढ़ता है, पेशेंट को खांसी में क्या होता है पल्मोनरी कंजेशन की वजह से खून भी आने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है, हीमोप्टाइसिस रहता है। इवेंचुअली लेफ्ट हार्ट फेल्योर, अभी मैंने बताया कि लेफ्ट हार्ट फेल्योर कैसे होता है, क्योंकि वो बैकफ्लो पैथोलॉजी की वजह से राइट वेंट्रिकल पे जो डायलेशन होता है ना, राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर क्रिएट होता है, राइट वेंट्रिकल की वजह से राइट एट्रिया ये सब फिर लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट फिर फेल्योर में जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, इवेंचुअली राइट हार्ट फेल्योर। फिर साइंस एंड सिम्टम्स और एक बार देख लेते हैं हम लोग, सीवियर डिस्निया रहता है, कफ विद फ्रोटिस्पुटम रहता है, हीमोप्टाइसिस रहता है एंड राइट हार्ट फेल्योर भी रहता है। पेशेंट को फटीग टायर्डनेस स्पेशली आफ्टर द एक्सरसाइज, पेशेंट को फटीग टायर्डनेस क्यों रहता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता, इसलिए ऑल ओवर बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल ओवर बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको फिर पहुँच नहीं पाता, आर्टेरियल में ब्लड नहीं रहता, इसी की वजह से फिर जो न्यूट्रिशन सप्लाई वगैरह होता है ना, वो न्यूट्रिशन सप्लाई मेटाबॉलिज्म वगैरह भी स्लो हो जाता है, इसी की वजह से पेशेंट में कई बार क्या होता है फटीग टायर्डनेस ये सब दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके साइंस में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑन ऑस्कल्टेशन लाउड S1 होता है, ठीक है, लाउड S1 साउंड दिखाई देता है, ऑस्कल्टेशन में कैसा है लाउड S1 साउंड दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर क्रिएट होता है, लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए ये ब्लड फोर्सफुली ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या इसी की वजह से फ्रेंड्स लाउड S1 सुनाई देता है। S1 साउंड क्या होता है हमने एग्जामिनेशन में देखा है, क्या होता है फिर S1 साउंड क्लोजर ऑफ द माइट्रल एंड ट्रैक स्पीड वॉल, इट इज S1 साउंड, ठीक है, इसमें लाउड S1 साउंड दिखाई देता है एंड माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर भी दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, माइल्ड डायस्टोलिक मर्मर भी दिखाई देते हैं। इट रेज द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसमें जो हमने पल्मोनरी कंजेशन देखा उसी वजह से पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्रिपिटेशन दिखाई देते हैं, लंग बेस पर फ्लूइड जमा होते हैं लगता है लंग्स बेस में, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्रिपिटेशन, पल्मोनरी एडिमा एंड इफ्यूजन भी पेशेंट में स्टार्ट दिखाई देता है, ये सब चीज़ें पल्मोनरी कंजेशन की वजह से ये साइंस एंड सिम्टम्स ये दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करने हैं, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आता है ECG एंड 2D को, डायग्नोस्टिक टूल के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल 2D को ही रहता है, लेकिन बेसिक ECG में क्या दिखाई चेंजेस क्या दिखाई देते फ्रेंड्स, बायोफिजिक POO, मतलब बायोफिजिक POO मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो यम पैटर्न रहता है ना, ऐसा यम पैटर्न रहता है, ठीक है, ये PQR S एंड T, ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स बायोफिजिक POO भी दिखाई देता है, बायोफिजिक POO मतलब यम पैटर्न है POO, यम पैटर्न दिखता है POO में, ये इसी में क्या फाइंडिंग दिखते हैं फिर बायोफिजिक POO। 2D को में क्या होता है फ्रेंड्स, 2D को में पूरा विजुअलाइज होता है कि माइटोसिनोसिस मतलब और प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रही, ये सब 2D को में डायग्नोस्टिक टूल में ये दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इसका डायग्नोस्टिक सबसे इंपॉर्टेंस ये 2D को ही यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में फ्रेंड्स, ठीक है, इसीलिए हमें देखना चाहिए कि प्राइमरी बेस पे क्या दिखेंगे इसमें।
अब हम लोग इसकी मैनेजमेंट देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सब फ्रेंड्स जो मैट्रिक्स सिनोसिस में मैनेजमेंट है ना, उसका मैनेजमेंट में सबसे पहले जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है ना, वो मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट रहता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहता है? मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट सिम्टोमेटिक रहता है तो मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट करना ही पड़ता है वहाँ पे। जो अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है तो असिम्टोमेटिक में हम लोग जरा सा डायबिटिक्स वगैरह देकर उसका लोड कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है फ्रेंड्स, मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट ही होता है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट नहीं करते तो जो पल्मोनरी डायलेशन होता है ना, पल्मोनरी डायलेशन वो परमानेंटली रहता है। इसलिए पल्मोनरी डायलेशन एकदम परमानेंटली हो गया तो हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते। इसी वजह से जल्द मिट्रल सिनोसिस के जो भी पेशेंट है ना, हम लोगों के पास कई बार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं कि मिट्रल सिनोसिस हम ये डायग्नोसिस हो चुका है, इसको ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं ये बता देता हूँ कि जरा ध्यान में रखना, जो मिट्रल सिनोसिस को पेशेंट वगैरह रहता है ना, उसको ऑपरेट जल्द से जल्द करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग जितना लेट करेंगे ना, उतना लेट करेंगे तो उतना पल्मोनरी कंडीशन, पल्मोनरी जो डायलेशन होता है ना, पल्मोनरी डायलेशन वो परमानेंटली रहता है, उसमें रिकवरी के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए जो मिट्रल सिनोसिस के जो पेशेंट रहते हैं ना, उसके डैमेज कम होने के लिए जल्द से जल्द उसका मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग उसको अब जरा मैनेजमेंट लेते हैं। इन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स इट इज एडवाइजेबल टू मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट है, ये जल्द से जल्द करना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। हैविंग बेटर प्रोग्नोसिस, और एक बार मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट हो गया तो पेशेंट को एकदम रिलीफ हो जाता है, बाद में उसको तकलीफ ज़्यादा लाइफ में अच्छी तरह से वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। इफ इमीडिएट सर्जरी इज नॉट डन, पल्मोनरी डायलेशन डन, ठीक है। पल्मोनरी डायलेशन ऑकर्स परमानेंटली, ऐसा पक्का ध्यान में रखना है कि पल्मोनरी डायलेशन ऑकर्स परमानेंटली। इसलिए मिट्रल स्टेनोसिस को जो भी पेशेंट है उसको जल्द से जल्द ऑपरेट करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं असिम्टोमेटिक पेशेंट में, असिम्टोमेटिक पेशेंट में जो प्रोफाइलेक्सिस और रूमेटिक फीवर, ठीक है। रूमेटिक फीवर के प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम लोग जैसे कुछ पेनिसिलिन के इंजेक्शन देना पड़ता है फ्रेंड्स इसको, ठीक है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन। बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन जो रहता है, पेनोडोरा नाम से आता है, बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है ये पेनोडोरा बेंजाथिन पेनिसिलिन। ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए, रूमेटिक फीवर के प्रोफाइलेक्सिस के लिए बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 1.2 मेगा यूनिट्स में अवेलेबल रहता है, 1.2 मेगा यूनिट्स में अवेलेबल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कैसे देना रहता है अभी जरा देख लेते हैं। प्रोफाइलेक्सिस फॉर रूमेटिक फीवर अप टू द एज ऑफ 40 इयर्स, अप टू द एज ऑफ 40 इयर्स और लाइफ लॉन्ग, ठीक है। ऐसे पेशेंट में जो रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री रहती है ना, ऐसे प्रोफाइलेक्सिस की वजह से हमें ऐसे पेशेंट को 40 इयर्स तक नहीं तो या लाइफ लॉन्ग तक भी पेशेंट को ये एडवाइजेबल टू टेक इंजेक्शन बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन जो पेनोडोरा नाम से आता है, ठीक है। इंजेक्शन बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन पेनोडोरा नाम से आता है, 1.2 मेगा यूनिट्स आईएम देना रहता है, ठीक है। इसका रूट क्या है, आईएम है एवरी 3 to 4 वीक्स, जनरली हम लोग 21 डेज में देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। प्रैक्टिकल में जनरली हम लोग 21 डेज में देते हैं इंजेक्शन बेंजाथिन बेंजिल पेनिसिलिन जो है ना, वो 1.2 मेगा यूनिट आईएम एवरी 21 डेज में देना रहता है प्रोफाइलेक्सिस फॉर रूमेटिक फीवर के लिए, ठीक है। ये देना ही रहता है पेशेंट में। बाद में हम पेशेंट को ऐसे बेड रेस्ट भी बोलते हैं, साल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट भी लेने के लिए बोलना है, क्योंकि जो फ्लूड कंडीशन फ्लूड ओवरलोड ना हो इसलिए साल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट देना है। फिर ब्रेथलेसनेस डायबिटीज देना है, ठीक है। जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है, असिम्टोमेटिक पेशेंट रहते हैं तो उनके माइल्ड जो सब ब्रेथलेसनेस वगैरह रहता है, ऐसे में फ्लोरेसोमाइड वगैरह देखे हमें जो हार्ट जो लोड है ना वो लोड कम करना रहता है, ठीक है। ये 40 mg पर डे ये इस डोज में देना रहता है फ्लोरेसोमाइड, ठीक है। इसमें जो एंटीकोगुलेंट भी फ्रेंड्स कई बार यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पल्मोनरी कंजेशन की वजह से जो लेफ्ट एट्रिया का क्रिएशन ऑफ प्रेशर की वजह से जो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे इम्बोलाई के ओरिजिन इम्बोलस ओरिजिन के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ब्लड नीचे जा रहा है, फोर्सफुली ब्लड को पंप कर यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे इम्बोलाई की इम्बोलस मतलब ये क्लॉट फॉर्मेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये इम्बोलाई के कार्डियक ओरिजिन में कारण MI के चांसेस वगैरह कर सकते हैं, इसलिए एंटीकोगुलेशन ड्रग्स फॉर प्रोफाइलेक्सिस या क्लॉट फॉर्मेशन के लिए देना जरूरी होता है कई बार, ठीक है। इसलिए हमें जरा सा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी देख लेना है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि मिट्रल सिनोसिस जो भी पेशेंट है ना, उसको जल्द से जल्द मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट करना बहुत ही जरूरत रहता है। अच्छी तरह से जितना जल्दी ऑपरेशन वगैरह किया उतने जल्दी पेशेंट को अच्छी तरह से रिलीफ मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम लोगों ने मिट्रल सिनोसिस की कैसे पैथोफिजियोलॉजी, उसके साइंस एंड सिम्टम्स कैसे कैसे आते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, उसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या देना है, ये सब चीज़ें हमने अभी तक देखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग एक केस डिस्कस कर लेते हैं मिट्रल सिनोसिस पे। फ्रेंड्स एक मेल पेशेंट था, जनरली 60 इयर्स के अराउंड एज में, ठीक है। जनरली 60 इयर्स एज का पेशेंट था, मेल पेशेंट के उसको ज़्यादा कुछ मतलब पेशेंट का फार्मर था, ठीक है। पेशेंट फार्मर था, हम लोगों ने पेशेंट आया था, फिर 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट
मेजर कितने फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैटर स्टेनोसिस पे अब जरा से केस डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। केस डिस्कशन मैं जरा फ्रेंड्स, मैं जब आईसीयू ड्यूटी में था, ठीक है, मैं आईसीयू ड्यूटी में था, एक 60 इयर्स मेल पेशेंट आया था, 60 इयर्स मेल पेशेंट, सीवियर डिजनिया लेके आया था, ठीक है। सीवियर डिजनिया, इतना डिजनिया कि वो स्ट्रेचर पे एकदम हाँपने लगा था, ठीक है, एकदम हाँपने लगा था। इसलिए कितना एज था उसका, 60 इयर्स मेल पेशेंट था, ठीक है, 60 इयर्स मेल पेशेंट था। हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से क्या लेके आया था कंपनी से, उसकी सीवियर ब्रेथलेसनेस लिखा था, ठीक है, सीवियर ब्रेथलेसनेस लेके आया था, ठीक है, सीवियर ब्रेथलेसनेस लेके आया था। हम लोगों ने पेशेंट को पूरा हिस्ट्री अच्छी तरह से हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद पूरा अच्छी तरह से पेशेंट को पेशा अच्छी तरह से एग्जामिन किए। एग्जामिन करने के बाद पेशेंट को फ्रेंड्स जरा सा लंग बायोलेटरली क्रेपिटेशन थे, पेशेंट को कुछ आस्थमेटिक हिस्ट्री नहीं थी, कोई ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, नॉन केस ऑफ डायबिटिक वगैरह पेशेंट को हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं था। पेशेंट का फार्मर था, ठीक है, खेत में काम करता था पेशेंट, उसको पेशेंट को कैसे कोई भी हिस्ट्री नहीं था। इसके पहले भी पेशेंट को माइल्ड डिजनिया था कभी कभी, लेकिन पेशेंट ने कैसे जरा सा उसको नेगलेक्ट किया था, ठीक है, पेशेंट को माइल्ड डिजनिया की हिस्ट्री थी लेकिन पेशेंट ने नेगलेक्ट किया था। हमारे पास क्या लेके आया फ्रेंड्स पे, ये सीवियर डिजनिया लेके आया, ठीक है, सीवियर ब्रेथलेसनेस लेके आया, ठीक है, सीवियर ब्रेथलेसनेस, ये भी एक ही एपिसोड था। जनरली कैसे माइल्ड डिजनिया कुछ दिनों से था लेकिन पेशेंट ने नेगलेक्ट किया था उसको, लेकिन अभी क्या लेके आया हमारे पास, सीवियर ब्रेथलेसनेस लेके आया। उसके हिस्ट्री टेकिंग में फ्रेंड्स हमें कुछ भी नो हिस्ट्री ऑफ डीएम एसटीएन, ठीक है, बीटीसी एक्सटी ओरिजिन कुछ भी उसको हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन पेशेंट को एक बार हिस्ट्री फीवर की हिस्ट्री थी, ठीक है, फीवर की हिस्ट्री के लिए उसने कुछ लोकल डॉक्टर लोकल ट्रीटमेंट ली थी, ठीक है, उसको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया था उसने, ठीक है। हम लोगों ने प्रॉपर उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट एकदम सीवियर डिजनिया था ना, पेशेंट को सीवियर डिजनिया था, सैचुरेशन उसका कितना था, सैचुरेशन अराउंड 82 आया था, ठीक है, सैचुरेशन 82 था, लेकिन उसका बीपी वगैरह हमने अगर ले लिया, बीपी उसका 160/90 था, बीपी उसका 160/90 था, पल्स रेट उसके कितने थे फ्रेंड्स, 104 थे, ठीक है, पल्स रेट किसने उसको 114 थे, ठीक है, पल्स रेट 114 थे, सैचुरेशन उसका 82% था, बीपी उसका 160/90, पल्स रेट उसका 114/100 थे। ये सब पेशेंट कंप्लेंट लेके आया था फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोगों ने उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद प्रॉपरली सबको हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन वगैरह सब किए, सब करने के बाद पेशेंट को हमने सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने उसको कैसा जो बैकअप लगाया ऑक्सीजन पे लेने के बाद भी पेशेंट एकदम सीवियर डिजनिया था ना, सीवियर डिजनिया था, इसलिए हम लोगों ने जरा सा पहले सबसे हाई फ्लो ऑक्सीजन पे लिया। हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाने के बाद भी पेशेंट का कैसा फ्रेंड्स सैचुरेशन 86% आ रहा था, और हमने बाद में उसको बीपी 160/90 था ना, इसलिए हम लोगों ने उसको इंजेक्शन लैसिक्स लोड किया, इंजेक्शन लैसिक्स लोड किया 40 mg, इंजेक्शन लैसिक्स लोड किया 40 mg, और बाद में उसको फ्रेंड्स हाई फ्लो ऑक्सीजन से उसको बायपैप लगा दिया, ठीक है, हाई फ्लो ऑक्सीजन से बायपैप लगाया। लैसिक्स देने से पेशेंट को जो ओवरलोड था ना, वो ओवरलोड हमने कम कर दिया और पेशेंट को कैसे बायपैप लगाया, बायपैप लगाने के बाद पेशेंट को जरा सा सैचुरेशन पेशेंट सेटल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, लैसिक्स एंड बायपैप लगाने के बाद पेशेंट सेटल हो गया। तो फ्रेंड्स ये देने के बाद पल्मोनरी हम लोगों ने उसको हाइड्रोकॉट वगैरह ले लिया, डेरी फाइलिन वगैरह नहीं लगाया, ठीक है, डेरी फाइलिन लगाया क्यों नहीं फ्रेंड्स, उसको आस्थमेटिक वगैरह हिस्ट्री नहीं थी, उसको पल्मोनरी कंजेशन मतलब बायलेटरल चेस्ट कंजेशन था, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने उसको लैसिस दिया, लैसिस 40 mg दिया, बाद में उसको बायपैप लगाया पेशेंट को, बाद में ईसीजी पेशेंट एक बार स्टेबल होने के बाद हमने ईसीजी निकाला, ईसीजी में फ्रेंड्स यम पैटर्न था, ठीक है, ईसीजी में क्या यम पैटर्न था, बायोफिजिक पी वेव थी, बायोफिजिक पी वेव, हम लोगों को डाउट लगे कि मैटर स्टेनोसिस की केस है, इसलिए हम लोगों ने पेशेंट का 2D को किया, 2D को करने के बाद ये कन्फर्मेशन हुआ कि पेशेंट को मैटर लॉस स्टेनोसिस था, ठीक है, पेशेंट को मैटर लॉस स्टेनोसिस था। हम लोगों ने भी पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद सबसे पहले उसको मैटर वॉल रिप्लेसमेंट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करने के बाद पेशेंट को हमने मैटर वॉल रिप्लेसमेंट कर दिया और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को एकदम ऐसे रिलीफ मिल गया फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए पेशेंट को ऐसे डायग्नोसिस अच्छी तरह से डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होता है। पेशेंट हमारे पास आया तो पेशेंट को कुछ भी डायग्नोसिस नहीं था, ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपरली पेशेंट को एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद पेशेंट को जरा सा
ड्यू पेशेंट को बायलैटरल लंग कंजेशन था, इसलिए हम लोगों ने उसको लैसिक्स दे दिए। लैसिक्स देने के बाद हम लोगों ने उसको बाइपैप लगाया। बाइपैप लगाने के बाद पेशेंट को एकदम स्टेबल करने के बाद हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करके उसको टूडी कोर करने के बाद उसको माइट्रल माइट्रल स्टेनोसिस डायग्नोस होने के बाद हमने उसको माइट्रल रिजेशन उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद पेशेंट एकदम स्टेबल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये माइट्रल और स्टेनोसिस के पेशेंट वगैरह रहते ना, कभी भी हमारे पास आते हो तो सीवियर डिजनिया लेके आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कई बार ऐसे सीवियर डिजनिया में लेके आते हैं, कई बार उसका एक्सीडेंटल डायग्नोसिस भी हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है।